गुड मॉर्निंग मैं नवीन कुमार सिंह डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और कोरोना का जिस तरह से लगातार केस घटा है अब ये आपकी संभावनाएं आगे की प्रबल हो गई है कि जो भी एग्जाम बचा हुआ है चाहे वो रेलवे के संदर्भ में हो या दूसरे एग्जाम्स हों सारे अब एग्जाम्स हो जाएंगे इस तरह का अब लग रहा है इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये वीडियो जो अभी मैं बनाया हूँ रेलवे एन और ग्रुप डी के संदर्भ में तो एक फेज आपका एन का बचा हुआ था तो उम्मीद है कि आपका जल्द ही इस महीने के बाद आपका वो एग्ज़ाम हो जाएगा और इसके तुरंत बाद ग्रुप डी का एग्जाम लास्ट वीक ऑफ जुलाई या अगस्त से आपका ग्रुप डी का एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद एन टी पी सी सी बी टी टू की बारी उसके बाद आएगी जब ग्रुप डी का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो और हम तो अभी लगातार देखते हैं कि यूट्यूब पर इतनी सारी क्लासेस चल रही है और हर तरह के क्लासेस कहीं बुक का सॉल्यूशन चल रहा है कहीं प्लेटफॉर्म का बुक का सोल्यूशन है यूथ के बुक का सोल्यूशन है जो आपके लिए उपयोगी है इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज अलग अलग क्वेश्चंस का कलेक्शन का क्लासेस चल रहा है बहुत सारे क्लासेस बहुत अच्छे अच्छे टीचर का क्लास चल रहा है जो आ, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है और स्टूडेंट सब भी आ, लगातार आ, देखते हैं वहाँ पर कि लाइव रहते हैं और हमको लगता है कि मन लगा के सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं जिनका जहाँ भी आ, आ, जो भी टीचर जिनको पसंद है या जिनका क्लासेस अच्छी लग रही है तो वहाँ कंटिन्यू किए हुए हैं और यह अच्छी बात है आपको कंटिन्यूटी बना कर रखना चाहिए जिससे कि आपका बेहतर रिविजन हो, आपका होते रहे क्योंकि पढ़ाई तो सारा कुछ पिछले दो साल से आप अच्छे से कर ही रहे हैं तैयारी के संदर्भ में अब लास्ट मोमेंट में रिविजन की ही जरूरत है तो इन सर सारी परिस्थितियों को देखते हुए इन सारी स्थितियों को देखते हुए मैं जो अब थोड़ा सा फील कर रहा हूँ कि लास्ट मोमेंट में आपकी तरफ से एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी कमी नहीं रहना चाहिए और अगर आपका तैयारी पूरा हो चुका है तो एक सेफ स्कोर जो कि ग्रुप डी के लिए या एन uh, के संदर्भ में उचित है उतना आप कर पा रहे होंगे और इस बीच में जो भी आपका कमी है या जो भी पोर्शन uh, आपका वीक है जिसके वजह से रिजल्ट uh, आपका प्रभावित होता है या जो टेस्ट देते हैं उसमें स्कोर प्रभावित होता है इस बीच में आप उसको भी इम्प्रूव कर रहे होंगे सुधार उसको कर रहे होंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं लेकिन हम जो एक फील करते हैं कि चूंकि सब जगह सारे तरह का क्लास चल ही रहा है और आप लोग क्लास कर ही रहे हैं इसी बीच में हम चाहते हैं कि एक टेस्ट रेगुलर दें हम आपको और रेगुलर उसका डिस्कशन भी डेली कराएं जिससे कि आपका मैक्सिमम आप खुद के स्कोर को जज कर पाएं कि इतने सारे स्टूडेंट के बीच में रियल में हमारा परफॉर्मेंस क्या रह पाता है और जिस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे उसी तरह का क्वेश्चन वहाँ पर हम देंगे भी आपको तो चूंकि पिछले बार भी हम स्टार्ट किए थे टेस्ट तो हमारा हुआ डिस्कशन प्रॉपर वे में नहीं हो पाया इसका कारण ये था कि चूंकि हमारे लैब से ये डिस्कशन होता है और टेस्ट स्टार्ट करने के तुरंत बाद ही कोरोना का केस बढ़ गया था जिसके वजह से लॉकडाउन हो गया था जिस वजह से टीचर उपस्थित वहाँ नहीं हो पा रहे थे या गवर्नमेंट के द्वारा भी रोक लगा दिया गया था और जो टीचर अपने घर से क्लास ले रहे थे उनके लिए तो हम नहीं कहेंगे उनका क्लास तो रेगुलर चलता रहा चूँकि हमारा कोचिंग है सारा सिस्टम हमारा कोचिंग में लगा हुआ है इसलिए ये परेशानी हमारे साथ हो जाती है लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए चूँकि ऑनलाइन क्लासेस चालू करने का गवर्नमेंट के, के द्वारा अभी कम्प्लीट ऑर्डर दे दिया गया है इसलिए अब वो परेशानी नहीं होना है और टेस्ट रेगुलर हम देंगे जिससे कि आप का मैक्सिमम प्रैक्टिस हो पाएगा और ख़ुद को जज कर पाएंगे और लास्ट मोमेंट में अधिक से सेट आपको बनाना ही चाहिए खुद से भी बनाइए और यहां पर हमारे साथ भी आप बनाइए जिससे देखिए कि दोनों में अंतर आपको समझ में आनी चाहिए और आएगी हम इसके लिए हमारा जो रणनीति है कि एक महीने में हम 25 टेस्ट लेंगे यानी कि एक संडे को छोड़ करके मंडे टू सैटरडे डेली टेस्ट डेली डिस्कशन और लगातार हम समय नहीं देंगे उसमें टेस्ट और डिस्कशन का जिससे कि इतना लंबा क्लासेस करने में भी या टेस्ट देने में आपको परेशानी हो जाए इसलिए हमारा विचार है कि सुबह सात से साढ़े आठ टेस्ट का हम टाइमिंग रखें सुबह सुबह आप उठिए सात बजे से टेस्ट दीजिए साढ़े आठ बजे तक तुरंत आपको उसका स्कोर भी पता चल जाएगा आपने कितना अटैम्प्ट लिया कितना ट्रू कितना फॉल्स कितना ओवरऑल मार्क्स आया और कितने स्टूडेंट के बीच कितना रैंक आया ये चीज़ आपको पता चल जाएगा इससे आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और तुरंत बाद उसके यानी कि अगर साढ़े आठ बजे टेस्ट समाप्त होता है तो दो बजे से छः बजे तक सारे पेपर का अलग अलग टीचर के द्वारा हम डिस्कशन करा देंगे अगर आपका सिर्फ सारा कुछ पढ़ा हुआ है और एक टेस्ट और उसका हंड्रेड परसेंट डिस्कशन भी करते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा और इसमें इसके लिए क्या करना है डिस्कशन में खास करके आपको कॉपी कलम ले करके बैठना है क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर तो आपको जैसे ही आप टेस्ट आपका समाप्त होगा सारे बच्चों का एक साथ टेस्ट होगा टेस्ट के तुरंत बाद क्वेश्चन उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं ये चीज़ आपको देख लेना है और फिर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है और ऐसा अभी से लेकर एग्जाम तक अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट इसका मिलना है और इसका फ़ी भी हम मिनिमम रखे हैं जिससे कि सारे बच्चे Uh, uh, किसी भी बच्चों को प्रॉब्लम ना हो क्योंकि इसका समझ लीजिए कि 25 टेस्ट का एक सौ रुपया मात्र फी है विथ डिस्कशन अब इससे कम हम कर भी नहीं सकते हैं संभव नहीं है आ, क्योंकि इसमें बहुत सारी टीचर की भागीदारी होगी मैनेजमेंट है सारा कुछ कॉस्ट है खर्च है तो परेशानी बिल्कुल भी नहीं होना है और हम चाहते हैं जैसे सप्ताह में छः दिन महीना में चौबीस टेस्ट तो ऐसे होगा और प्रत्येक लास्ट संडे को एक मेगा टेस्ट हम कराएंगे जिसमें और भी बाहर से मैक्सिमम बच्चे अपियर होंगे तो उस मेगा टेस्ट में आपको बेहतर आपका परफॉर्मेंस रियल एवेल्यूशन और अधिक बच्चों के बीच पता चलेगा तो ये अगर टेस्ट आप बाय करना चाहते हैं तो एक जुलाई से हमारा ये टेस्ट स्टार्ट होगा और द प्लेटफॉर्म ऐप प्ले स्टोर में जाकर आप डाउनलोड करेंगे आ, आज शाम से ही या आपको इसका डिटेल मिल जाएगा इस पैकेज का आप बाय उसको कर सकते हैं इसका एक अलग से हम वीडियो भी बना देंगे और उस वीडियो के माध्यम से अगर कोई तरह का टेक्निकली प्रॉब्लम होगा तो उसमें नंबर भी दिया हुआ रहेगा आप उस पर मैसेज कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं उस वीडियो से आप समझ लेंगे कैसे पैकेज बाय करना है तो फिर बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी तो एक तो ये बातें हो गई टेस्ट से रिलेटेड क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट में टेस्ट आ, में भाग लेकर के अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करना चाहिए दूसरी बातें हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन के हमारे बैच के बच्चे थे आ, अलग अलग बैचेज के उसके लिए और जो नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं हमसे या वैसे बच्चे जो पटना आके तैयारी करना चाहते हैं लेकिन अभी आ, के सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं आ सकते हैं चाहे तो वो भी ऑनलाइन पैकेज हमारा फाउंडेशन कोर्स का बाय कर सकते हैं अभी हमारा रीजनिंग फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है दो तीन दिन के बाद इसमें मैथ और साइंस का भी स्टार्ट हो जाएगा और अभी अगर पैकेज आप बाय करते हैं और बाद में यहाँ का ऑफलाइन क्लास करते हैं तो वो फ़ी आपका वो उतना लेस कर दिया जाएगा और अब अगर आप नहीं भी आकर यहाँ क्लास करते हैं तो प्ले स्टोर में जाकर द प्लेटफॉर्म ऐप पर इसको डाउनलोड करके इस ऐप को तो वहाँ से पैकेज आप फाउंडेशन बैच का बाय करके घर बैठे भी आप क्लास कर सकते हैं एकदम मिनिमम फी में फाउंडेशन में मैथ है तो चार सौ निन्यानवे रुपया में पूरा का पूरा मैथ है जो कि सात से आठ महीना चलेगा रीजनिंग आपका छः से सात महीना मिनिमम चलेगा एकदम बेसिक लेवल से उसी तरीके से फिजिक्स का भी सारे क्लासेज जो भी स्टार्ट होगा एकदम बेसिक लेवल से होगा इसके अलावा हमारा जो टारगेट बैच स्टार्ट हुआ है उसका भी एक निन्यानवे रुपया मात्र फी है सब्जेक्ट वाइज तो वहाँ से भी उसको बाय करके लास्ट मोमेंट में रिविज़न कर सकते हैं लेकिन टेस्ट के बारे में जो बताए वो एक तारीख से स्टार्ट हो जाएगा आप उसके पैकेज को बाय करके एक से एक तारीख से कंटिन्यू कर सकते हैं मॉर्निंग में सात से साढ़े आठ टेस्ट और दो बजे से छः बजे तक इसका डिस्कसन चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे धन्यवाद बेस्ट ऑफ लक खूब अच्छे से पढ़िए खूब मन से पढ़िए